कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे मेथड फॉर रिमूविंग हार्डनेस। तो आज हम सिर्फ सॉफ्ट वाटर करेंगे, परमानेंट हार्डनेस की नहीं बल्कि टेम्प्ररी हार्डनेस की। यानी दो मेथड होते हैं ना, दो हार्डनेसेस होती हैं, टेम्प्ररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्प्ररी हार्डनेस को जो है हम कैसे रिमूव किया जा सकता है उसको, उस पर हम काम करेंगे। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके पे काम नहीं करेंगे, मैं समझा देता हूँ। जैसे लेट्स से दैट पानी है, पानी में बायकार्बोनेट्स हैं, तो हम बायकार्बोनेट्स को रिमूव करने के मेथड्स पे काम कर लेते हैं। जबकि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो आपको पता है कैल्शियम के सल्फेट्स या कैल्शियम के क्लोराइड्स या मैग्नीशियम के सल्फेट्स या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स की वजह से होती है। तो हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में टेम्प्ररी हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि टेम्प्ररी हार्डनेस जो है वो कैसे रिमूव की जा सकती है, तो दो मेथड्स हैं। एक तो सिंपल सा ही मेथड है, सिर्फ पानी को बॉयल करें और ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। आपको याद होगा कि बारिश आ रही थी और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड थी और वो चट्टान पर गिरी, तो तीनों ने आपस में पैचअप कर लिया और कैल्शियम बायकार्बोनेट बना लिया। तो इसका हल यही है कि कैल्शियम बायकार्बोनेट अगर पानी में है तो आप पानी को पतीले में डाल के उबाल दें। अगर आप उबाल देंगे तो अगर आप उबाल देंगे पानी, तो फिर ये होगा कि वापस वो वही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट पैंदे में बैठ जाएगा, बॉटम में बैठ जाएगा पतीले के, पानी वेपर्स बनकर शामिल हो जाएगा पानी के पास जो ऑलरेडी पानी है, और कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स बन के बाहर आ जाएगी। आप देखते हैं कि बहुत सी गैसेज जो हैं पानी के उबलते वक्त बाहर आ रही होती हैं, तो बहुत सी से मुराद के बहुत से वेपर्स बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके साथ बाहर आ जाएगी। सो दैट मेक्स एन आइडिया, राइट? तो क्या करना है, अगर आपने टेम्प्ररी हार्डनेस रिमूव करनी है, अगर कैल्शियम के बायकार्बोनेट्स या मैग्नीशियम के बायकार्बोनेट्स पानी में हैं, तो आपने क्या करना है, पानी को हीट कर देना है, पानी को बॉयल कर देना है। तो दैट इज़ द वंडरफुल मेथड्स फॉर दी रिमूवल ऑफ टेम्प्ररी हार्डनेस। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम मज़ीद बात करें आपसे, तो एक और मेथड है विच इज़ नोन एज क्लार्क्स मेथड। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। इसमें क्या सीन हो रहा होता है कि इसमें क्लार्क नामी साइंसदान ने ये किया कि जो पानी था उसमें कैल्शियम बायकार्बोनेट्स थे, ठीक है, और मैग्नीशियम बायकार्बोनेट्स थे, कैल्शियम बायकार्बोनेट्स थे, तो उसने स्लेक लाइम जो है वो पानी में डाल दिया। यानी कि अब उसको हीट नहीं करना, सिर्फ स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है पानी में डाल देना है। इससे क्या होगा कि अगेन वही होगा कि जो आयन्स हैं आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि जो कैल्शियम है वो कार्बोनेट के साथ मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन निकल कर हाइड्रोक्सी से मिल जाएगा, वो वाटर बना देगा, और इस तरीके से जो है ये रिएक्शन कम्प्लीट होगा, कैल्शियम के भी कार्बोनेट्स बन जाएंगे। आपको पता है ना, दो कार्बोनेट्स हैं, दो बायकार्बोनेट्स हैं, तो दो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें, दो हाइड्रोक्सी से मिलकर दो पानी के मॉलिक्यूल बना देंगे, और दो कार्बोनेट्स एक मैग्नीशियम के साथ मिल जाएगा और एक कैल्शियम के साथ मिल जाएगा, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी यही होगा कि यहाँ पर आयंस टोटली सेम है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट, दो हाइड्रोक्सी हैं, दो बायकार्बोनेट्स हैं, तो दो बायकार्बोनेट से दो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, दो हाइड्रोक्सी के मिलकर दो वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, और यहाँ पर जो कैल्शियम है वो भी कार्बोनेट से मिल जाएगा, यहाँ का कैल्शियम भी कार्बोनेट से मिल जाएगा, और दो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स बन जाएंगे। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्प्ररी हार्डनेस वंस अगेन, कि उसमें क्या हुआ कि मैग्नीशियम बायकार्बोनेट और कैल्शियम बायकार्बोनेट के जो के पानी में मौजूद हैं वो जो है वो तल्फ हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, और क्या बन जाएगा, पतीले के पैंदे में प्रिसिपिटेट्स बनेंगे। मैंने आपको पहले एक लफ्ज़ नहीं बताया, ये ज़रा जो बनते हैं इनको प्रिसिपिटेट्स कहते हैं। तो ये प्रिसिपिटेट्स आपको पता है पतीले के पैंदे में जम भी जाते हैं और पता लगता है कि सॉल्ट जम गया है पतीली में। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि कैल्शियम के कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स जो हैं वो पतीली के पैंदे में जो हैं वो जम जाते हैं। सो क्यों जमते हैं, क्योंकि कैल्शियम के बायकार्बोनेट्स या मैग्नीशियम के बायकार्बोनेट्स जो हैं वो होते हैं पानी के अंदर, जो कि पानी को क्या कर रहे होते हैं, टेम्प्ररी हार्ड कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर इस पानी से आप साबुन का इस्तेमाल करेंगे इस पानी के साथ, तो झाग जो है वो कम बनेगी, तो झाग कम बनने का मतलब है इस बात का अंदिया है कि ये पानी हार्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि हार्डनेस की दो किस्में हैं, यानी कि टेम्प्ररी हार्ड वाटर एंड परमानेंट हार्ड वाटर। तो ये टेम्प्ररी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस, तो टेम्प्ररी हार्डनेस की रिमूवल की बात की, एक मेथड बाय बॉयलिंग बताया, दूसरा मेथड क्लार्क के नाम से मंसूब है जिसमें हमने स्लेक लाइम का इस्तेमाल किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया। सो आई होप कि आपको इक्वेशंस प्रैक्टिस कर लें, 5-5 दफ़ा लिख लें अपनी नोटबुक्स पे, एंड होप्स वो आपको तैयार हो जाएगा। तो परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आपसे बात की टेम्प्ररी हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड फाइंड करेंगे। दैट्स इट, अभी यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, इस पर आप क्लिक करें, मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो है इस चैनल के साथ रहें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उनको आप क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी मज़ीद वीडियोज़ देख सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी।